आप सवार रहा और इस हफ्ते भर में मेरी मर्यादा का सत्यानाश हो गया बिटिया। मंदिर के पुजारी बाबा ने मुझ पर तरस दिखाया, कई दिनों से उन्हीं की शरण में पड़ा हूं। उस बदमाश वैद को पिछले 3 साल में कितना गांजा पिलाया मैंने, और उसका बदला ये देता है बेईमान। मुंह पे कालिक लगाने का पूरा इंतजाम कर दिया था उस घटियारे ने। तेरी जैसी लक्ष्मी बहू नहीं होती तो मैं कहां मुंह छुपाता भगवान जाने। कल मेरा बेटा लौटेगा तो कौन से घाट लगेगा। तू लक्ष्मी है बहू, सचमुच तू लक्ष्मी है जो तूने अपनी लाज और मेरी पगड़ी दोनों बचा ली। किस जन्म का बदला ले रहा था वो वैद्य? चुप हो जाइए बाबूजी, सब भूल जाइए। एक बुरा सपना था, अच्छा हुआ खत्म हो गया। फिर भी मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। ना ना बाबूजी, ऐसा नहीं कहते। अब मैं रोज मंदिर जाता हूं, बहुत शांति मिलती है मन को वहां। आज दोपहर को मैं खाना नहीं खाऊंगा, मंदिर में सत्यनारायण की कथा करवा रहा हूं, तब तक व्रत रखूंगा। तू अपना खाना पीना कर लेना, मैं शाम को एक टाइम खाऊंगा बस। और शाम को गंगा जल छिड़क के झोपड़ी पवित्र कर देना। हाँ। गंगा जल मैं ले आऊंगा, चरणामृत भी ले आऊंगा, तू भी ले लेना थोड़ा। और मैंने कलकत्ते चिट्ठी भेज दी है, सीताराम भी जल्दी ही आ जाएगा। आज मैं भी व्रत रखूंगी, मुझे मालूम होता तो सुबह चाय भी नहीं पीती। ये लो इशराम तुम्हारा गंगा जल, प्रसाद वगैरह ले लिया? हाँ बड़े। और कुछ मन में आए तो लेके जाओ। नहीं, प्रणाम। अरे आओ आओ मौसी, बैठो। अरे वाह, झोपड़ी तो बड़ी अच्छी चमका रखी है लीपोत कर। हाँ मौसी, आज तो मैंने झोपड़ी बहुत अच्छी तरह साफ की है, मेरा आदमी आ रहा है कलकत्ता। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तेरे बप्पा को भी चिट्ठी डाली है, वो भी आ जाएगा कभी। ये ले तेरे कागज। विश्राम कैसा है? ससुर जी तो बहुत ही अच्छे आदमी है, असल में उसकी तबीयत खराब थी, किसी वैद्य ने कुछ उल्टी सीधी दवा दे दी, लेकिन आजकल रोज मंदिर जाता है, सत्यनारायण की पूजा कर रहा है। मंदिर में क्यों? अरे मैंने तो कहा कि घर में ही पूजा करवाओ, लेकिन खैर छोड़ो, जब वो कलकत्ते से आ जाएंगे ना तो मैं घर में पूजा करवाऊंगी, तुम सब आना। हाँ क्या? ये लो चौधरी, ये आपकी अफीम, और ये रहे बाकी के पैसे। ये पकड़। हाँ। ये भी। जा जा मौज कर। कहा सरस्वती? हाँ। मछली तली है ताजी? हाँ हाँ। ला 5 रुपए की बांध दे। ले। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। आज व्रत था मेरा, सत्यनारायण की पूजा करा के आ रहा हूँ। मिलता ही नहीं आजकल। आजकल जरा पूजा पाठ में लगा हुआ हूँ। अरे वाह, झोपड़ी लिपी पुती शुद्ध। मैं तो तुझे लक्ष्मी ही कहूंगा, मना मत करना। ये ले गंगा जल, हाथ पांव धो के पूरी झोपड़ी में छिड़क देना, फिर प्रसाद ग्रहण करना। जी। ये एक लोटा चरणामृत तू पी जाना सारा, मैं तो मंदिर से ही पी कर आया। जी। और ये पंजीरी। आज तो मैंने भी व्रत रखा है,
सवेरे से पास ही मुंह बैठी है। अच्छा चल तू ये चरणामृत पी ले, अभी सारा पी लेना वरना सुबह तक इसका दूध फट जाएगा। और मेरे लिए एक चिलम भर दे, सुबह से हाथ नहीं लगाया चिलम, पूजा जो करनी थी। मैं बाहर बैठता हूँ।
कौन? जय शंकर, जय शंकर। अरे विश्राम, तुम इतनी सुबह सुबह? शाम को तो प्रसाद लेके घर गए थे, फिर पौ फटते ही हाजिर हो गए। मैं तो रात ही से यही हूँ पुजारी बाबा, शंकर भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं मन ही नहीं लग रहा था, बड़ी बेचैनी हो रही थी। बहू को प्रसाद देकर सोने की कोशिश की लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। जरा सी झपकी लगी तो एक बड़ा खराब सपना देखा। देखा कि मेरे झोपड़े के बीचों बीच जमीन पर लक्ष्मी जी विराज रही हैं, सोने के गहने से लदी काया। अचानक एक काली डरावनी सी राक्षसी आकर लक्ष्मी जी को घेरने लगी और लक्ष्मी जी गायब हो गई और बचता है सिर्फ अंधेरा। जब हड़बड़ाकर आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई काली सी छाया मेरी झोपड़ी से गुजर कर और अंधेरे में समा गई। तब से मन बेचैन है बाबा, लक्ष्मी जी का ऐसे घर छोड़ के चले जाना, इस सपने का क्या मतलब होता है बाबा? लगता है सांझ के गांजे का नशा तेरी खोपड़ी तक चढ़ गया है, तभी बेचैनी हो रही है। घबरा मत, टूनी आरती के बाद मैं योग मुद्रा में बैठूंगा, तब विचार लगाऊंगा। जा, घर जा। नहीं, बस मुझे यहीं रहने दो पुजारी बाबा, सुबह की पूजा देखकर ही जाऊंगा। तब तक तो दिन चढ़ जाएगा, 9-10 बज जाएंगे। बस यहाँ बहुत शांति मिलती है मुझे। जो मर्जी आए कर, मैं जंगल जा रहा हूँ, तू बैठ या मंदिर में। जगेश्वर भाई, अरे जगेश्वर भाई, ओ जगेश्वर भाई, अरे हरी काका, कैसे हो गया भैया? अरे कैसे हो गया? अरे वो हरामजादी सब कुछ लूट कर भाग गई। अरे कौन भाग गया? अरे भागा तो सही, जा बोतल मतों को खबर कर जल्दी। अरे बोतल मतों को जाके बता, अरे बचा क्या होने को? अरे मेरी नाक काट के रख दी हरामजादी ने, जा बोतल मतों को बुला। लेकिन बहू ऐसा खेल दिखाएगी ये तो सोचा भी नहीं था मैंने। जमीन खोद कर सारे गहने निकाल कर ले गई, खुदाला भी तक वहीं पड़ा है।